नमस्कार, तबला वादन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एकदम बेसिक से सीखेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, और हाथ कैसा रख के कैसे बजाने का, वो सब देखेंगे। इसको डग्गा कहते हैं, इसको तबला कहते हैं, दोनों को मिलके भी तबला ही कहते हैं। थोड़ा मैं इसका पार्ट्स बताती हूँ। स्याही, इसको पान या मैदान कहते हैं। किनार, ये जो है इसको गजरा बोलते हैं, गजरा। ये वादी है, ये खिट्टी, ये जो है बर्तन, ये पीतले का होता है या तांबे का रहता है, स्टील का भी मिलता है। ये चुंबर या रिंग बोलते हैं इसको। ये तबला, स्याही, आस या लव इसको बोलते हैं, चाटी, गजरा, वादी, गट्ठे, खोड़। खोड़ मतलब ये झाड़ का रहता है ना, उसका ये बनाते हैं लकड़े का। और ये चुंबर, डग्गे का पहला, इसको बाया भी बोलते हैं, बाया। और ये दाया, ये हाथ का ये पोर्शन इधर स्याही के पास रखने का, ऐसा गोल होना चाहिए हाथ। पहले ये एक उंगली और ये दो उंगलियां साथ में, गे 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 गे, डग्गे पे गे बजता है। घेन भी इसको ही, घेन ये ही बोल सकते हैं आप। ऐसा अगर बजाए बंद तो इसका क के और की इधर बजता है। तबले पे ये ऐसा उंगली, ये पहला पैर है इसके ऊपर रख के, ये उठाने का नहीं, ये नीचे नहीं रखने का, और ये उंगली से इधर ऐसा हल्का मारने का। ये जो चाटी है इसके ऊपर ता ना और धा इधर बजता है, दोनों अंदर। धी धिन ती और तिन, मतलब धी धिन ती तीन, तीन ऐसा भी बजता है, तीन ऐसा भी, तीन होता है ऐसा भी, तीन होता है। धी भी ऐसा ही है, धी धिन। फिर से एक बार हम लोग देखेंगे नजदीक से। इसको डग्गा बोलते हैं, बाया भी बोलते हैं, ये दाया, तबला, दोनों को साथ में मिलके तबला ही कहते हैं। डग्गा एक तो पीतले का रहता है, तांबे का रहता है, स्टील का रहता है, और मिट्टी का भी कभी कभी लोग यूज करते हैं। ये स्याही है, इसको मैदान बोलते हैं। ये किनार, ये गजरा है, इसको वादी कहते हैं। ये खिट्टी है, कभी कभी अगर ये लूज हो गया तो अच्छा बजता नहीं, तो खिट्टी लगाने से नीचे हम लोग लेते हैं तो ये तन जाता है और अच्छा बजता है डग्गा। और ये जिसके ऊपर रखा है इसको चुंबल बोलते हैं। ये सब जो मैं बता रही हूँ सेकंड एग्जाम में पूछते हैं कि इसका वर्णन कीजिए, तो ये बताने का। स्याही, आस या लव बोलते हैं इसको, चाटी, गजरा, ये वादी, इसको गट्ठे कहते हैं। ये जो लकड़ा है जिसके ऊपर ये सब बिठाया है, खैर या शीशम का रहता है ये। और ये चुंबल, अभी हम देखेंगे कैसा बजाने का। हाथ का ये पोर्शन इधर स्याही के पास रख के ऐसा नाग जैसा बनाने का ये। और ये एक उंगली और ये दो उंगली साथ में, ये स्प्रिंग एक्शन होना चाहिए, ऐसा मार के ऐसा थोड़ा अंदर की तरफ, ये डग्गा ऐसा बजता है। तबले के ऊपर ये ऐसा हाथ रख के स्याही पे, ये उंगली, ये उठाने का नहीं, ये नीचे नहीं चाहिए, और ये उंगली से एकदम हल्के हाथ से ऐसा मारने का। इधर जो बोल आते हैं ता ना, इस पर अंदर धी धिन ती तिन, दोनों साथ में। इधर धा बजता है तो चाटी के ऊपर ये उंगली से, और इधर दो उंगली से धा।
धीन इधर अंदर, धीन इधर बंद करके बजाए तो तीन आता है, तीन तीन ऐसा भी बजता है, ये तीन और तीन, धी धीन। डगे के ऊपर ऐसा बंद पंजा मारते हैं तो क की और के ऐसा बजता है, दोनों साथ में अभी धा धिन तिन तिन धिन ये सब होते हैं। अभी तबले की चाय के ऊपर तीट तीट, ये तीट तीन उंगली से भी बजता है तीट, और दो उंगली का भी दिल्ली घराने का तीट तीट, तो तीर तीट तीर तीट तीर तीट, ये अलग अलग है तीर तीट, दो उंगली का ये तीन उंगली का तीर तीट, ये सब बेसिक बोल है। अभी हम लोग स्टार्टिंग से सीखना शुरू करेंगे, पहले हम रियाज के बोल देखेंगे, एकदम ताल नहीं शुरू करते। तो पहला बोल है ती र की ट त क त क, ये कैसा बजाने का मैं दिखाती हूँ, तो देख के आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिनको सीखना स्टार्ट नया नया सीखना है। पहला बोल देखेंगे ती र की ट त क त क, ती र त त क त क, और एक बार दिखाती हूँ ती र की त त क त क, इसका बहुत रियाज करो। दूसरा बोल बताती हूँ, दूसरा बोल है पांच बार तक बजाकर उसके बाद तीर की ट तक, मतलब एक बार मैं बोल के दिखाती हूँ तक 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 तीर कीट तक, तो ये पांच बार जो तक है वो चारों उंगलियों से बजाने का है, तक 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 तीर कीट तक, लास्ट वाला तक चारों उंगलियों से नहीं बजाने का, वो तीर कीट तक वाला बजाने का पहले बोल का तीर कीट तक। एक बार फिर से दूसरा बोल मैं बजा के दिखाती हूँ तक 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 तीर कीट तक, तक 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 तीर कीट तक, ये हो गया दूसरा बोल। तीसरा देखो रियाज का तीसरा बोल, तेरह बार तक बजाने का है, तेरह बार, और उसके बाद उसको तीर कीट तक जोड़ने का है, तो तेरह में से पहला पांचवा नौवा और तेरहवा थोड़ा जोर से बजाने का, तक 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 तीर कीट तक, और एक बार तक 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 तीर कीट तक, ये तीसरा बोल हो गया। अभी चौथा देखो, ये डग्गे से स्टार्ट होता है कीट तक कीट तक 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 कीट तक, कीट तक कीट तक 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 कीट तक, और एक बार कीट तक कीट तक 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 कीट तक। एक बात ध्यान में रखने का, डग्गे के ऊपर का हाथ कभी भी उठाने का नहीं, एक बार रख दिया तो ऐसा पूरा उठा के ऐसा नहीं बजाने का, ये खाली इधर से ऐसा उठाने का, पूरा हाथ उठाए के बजाने का नहीं। तबले का हाथ हर एक लेटर को उठा के बजाने का, ये ऐसा रख के ऐसा अच्छा साउंड नहीं आता, ऐसा रख के बजाएंगे तो हर एक लेटर के लिए आपको हाथ उठा के डालना है, और ऐसा हल्का बजाएंगे तो ऐसा साउंड आता है, वो गलत है। तीर किट के लिए ऐसा बंद चाहिए, वजन से हाथ डालने का तीर कीट,
या त प, ये सब ऐसा आना चाहिए। अभी पांचवा रियाज को बोल, गे गे तीट गे नाना, के तीट गे नाना, गे गे तीट गे नाना, के तीट गे नाना। आप गे ऐसा भी बजा सकते हो, या दो उंगली से पहले एक उंगली से बाद में, ऐसा ही चलता है। गे ये भी चलेगा, गे ये भी चलेगा, गे तीट गे नाना, के तीट गे नाना। अभी हम जब भी नाना ताता या धा धिन बजाएंगे, तब ये उंगली उठनी नहीं चाहिए, ना कि ना बजाते समय, ता बजाते समय ये उंगली इधर ही रहनी चाहिए, ये उठाने का नहीं, और ये नीचे नहीं आना चाहिए, ये ऊपर रहना चाहिए, ता और ना। गे पीट गे नाना, के पीट गे नाना। अभी छठवा बोल, कत गे नाना, कत गे नाना, गे नाना, कत गे नाना, कत गे नाना, गे नाना, कत के नाना, कत के नाना, के नाना, कत गे नाना, कत गे नाना, गे नाना। चार लाइन का बड़ा रियाज का बोल है, देखो कैसे बजाने का। कत गे नाना, कत गे नाना, गे नाना, कत गे नाना, कत गे नाना, गे नाना, कत गे नाना, कत गे नाना, गे नाना, कत गे नाना, कत गे नाना, गे नाना। और एक बार पूरा बोल बजा के दिखा दूँ। कत गे नाना, कत गे नाना, गे नाना, कत गे नाना, कत गे नाना, गे नाना, कत के नाना, कत के नाना, के नाना, कत गे नाना, कत गे नाना, गे नाना। सातवा बोल, अभी ना और गे दोनों साथ में बजाते हैं तब धा बजता है। सातवां बोले, धा तीर कीट तक, ता तीर कीट तक। तो धा ऐसा दोनों साथ में, इधर इधर चाटी पे और इधर ये दो उंगली का, धा दोनों साथ में बजाने का। धा तीर कीट तक, ता तीर कीट तक, धा तीर कीट तक, ता तीर कीट तक। आठवा बोल, धा तीर कीट तक, तक तीर कीट तक, धा तीर कीट तक, तक तीर कीट तक। और एक बार, धा तीर कीट तक, तक तीर कीट तक। नौवा बोल, धा धा धा, तीर कीट तक, तीर कीट ता ता ता, तीर कीट तक, तीर कीट। तीनों धा ये दो उंगली से बजना चाहिए। धा धा धा, तीर कीट तक, तीर कीट ता ता ता, तीर कीट तक, तीर कीट।
लेसन नंबर टू में हमने लिख के दिया है रियाज के बोल, वो देख के स्लोली प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने के बाद ये अभी जो मैंने इस वीडियो में जो रियाज के बोल स्पीड में बजा के दिखाया है वैसा आपका भी आ जाएगा अगर प्रैक्टिस करूंगी तो। तो देखिए ये रियाज के बोल स्पीड में कैसे बजते हैं। लेसन नंबर टू में जो हमने रियाज के बोल देखे वो स्पीड से कैसे बजते हैं, रियाज कर करके स्पीड बढ़ जाता है, तो अच्छे से रियाज करके स्पीड बढ़ाने का तो स्पीड से कैसे बजते हैं ये एक बार मैं दिखाती हूँ। सभी बोल एक से नौ तक सभी बोल। तो पहला बोल तीरा कीटा तक तक, पहले मैं स्लो बजाऊंगी उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे स्पीड बढ़ता जाएगा। पहला बोल तीरा कीटा तक तक, तीरा कीटा तक तक, दूसरा बोल पांच बार तक बजा के तीरा कीटा तक 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 तीरा कीटा तक। तीसरा बोल तेरह बार तक और तीरा कीटा तक। चौथा बोल कीट तक कीट तक 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 कीट तक। पांचवा बोल गेगे तीट गेगे नाना के तीट गेगे नाना। छठवा बोल कत गेगे नाना कत गेगे नाना वो वाला फास्ट में। सातवा बोल धा तेरा कीटा तक ता तेरा कीटा तक। आठवा बोल धा तेरा कीटा तक तक तेरा कीटा तक। अभी नौवा बोल धा 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 तेरा कीटा तक तेरा कीटा ता 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 तेरा कीटा तक तेरा कीटा।
अभी हम लोग ताल सीखेंगे, दादरा, केरवा, रूपक, झपताल और तीन ताल। कैसा बजाने का ये जूम करके आप देख सकते हो। मैं दादरा ताल अभी बजाने जा रही हूँ। ताल दादरा, धा धिन धा धा तिन ता। मैं और दो तीन बार बजाती हूँ। इधर किधर धा धिन बजता है वो भी देख लीजिए। और ये कौन सा उंगली में बजाती हूँ, तीन के लिए मैं क्या करती हूँ, ये ध्यान से देखो। धा धिन धा धा तिन ता, धा धिन धा धा तिन ता। छह मात्रा का ताल है। ये दादरा हो गया। अभी रूपक बजाएंगे, सात मात्रा का ताल। ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना। केरवा ताल देखेंगे, आठ मात्रे का। धा ए ना ती ना एक बार। ताल झपताल, दस मात्रा है उसके। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ती ना धी धी ना। ताल तीन ताल, सोलह मात्रा। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता तिन तिन ता। ये सभी ताल मैंने अभी स्लो में बजा के दिखाए। ये थोड़ा फास्ट में बजाएंगे तो कैसा लगता है देखो। दादरा बजाती हूँ मैं। दादरा के प्रकार भी है, मैं अगले वीडियो में बता दूंगी दादरा के प्रकार। अभी ये फास्ट में दादरा एक बार फिर बजाती हूँ। केरवा फास्ट में। रूपक फास्ट में। झपताल तीन ताल। एक ताल मात्रा बारह। धिन धिन भागे तीर तीत तू हा कर तिन धा
एक तल में जो कत है ये इधर नहीं बजाने का, तबले के चाई पर कत ये थोड़ा अलग है, इसमें एक तल में जो कत है ये तबले के ऊपर तीन उंगलियों से कत बजाने का। और धागे तिरकिटा थोड़ा फास्ट आएगा, मतलब धिन धिन धागे तिरकिटा ऐसा आएगा, एक उंगली पे एक अक्षर धिन धिन ये धागे तिरकिटा, धिन धिन धागे तिरकिटा, तू ना कत धिन धागे तिरकिटा धी ना, ये एक तल अभी फास्ट कैसे बजाने का, धिन धिन धागे और अगर इस और फास्ट किया एक ताल तो तिरकिट की जगह पे त्रक बजाएंगे हम लोग, त्रक ऐसा बजता है, त्रक देखो एक बार फिर ये ऐसा त्र साउंड आना चाहिए, त्र क त्र क दोनों डगे पर भी और तबले पर त्र क दोनों साइड में आएगा त्र, तो यही फास्ट एक तल में तिरकिटा की जगह पे त्रक बजता है, दिन दिन धागे तक तू ना कत दिन धागे तक थी, धागे तक थी ना। इसके पहले के पाठ में हमने देखा था कि ताल कैसे बजते हैं, तो आप पूछेंगे कि ताल मतलब क्या, तो मात्राओं के समूह को ताल कहते हैं, मात्रा मतलब ताल को मापने वाली जो परिमाण होता है उसको मात्रा कहते हैं, और ताल के वजन अनुसार उसके जो भाग पड़ते हैं उसको विभाग कहते हैं, मतलब दादरा का वजन देखो कैसा है, एक दो तीन एक दो तीन धा धीन धा तीन धा, तो दादरा के विभाग दो हो गए तीन तीन मात्रा के। तो अभी हाथ पे कैसा बजाने का दादरा, हाथ पे बोलने का कैसा मैं दिखाती हूँ, सभी ताल दिखाती हूँ, दादरा रूपक केरवा जपताल और तीन ताल, हाथ पे धा धीन धा धा तीन ता, ये पूरा ताल हो गया, ये जो मैं कर रही हूँ एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः अलग अलग मात्रा हो गई उसकी, मतलब मात्राओं से पूरा ये एक ताल बन गया है, और ये ऐसा मैंने किया तो दूसरा विभाग इधर चालू हो गया, पहला विभाग इधर खत्म, धा धिन धा धा तिन ता, तीन तीन के दो विभाग, तो दो विभाग ऐसे मैंने दिखाया ऐसा हाथ करके, एक दो तीन चार पाँच छः धा तीन धा धा तीन ता। आप पूछेंगे कि ये क्या है, इधर ताली क्यों दी, इधर ऐसा क्यों किया, तो पहली मात्रा पे सम रहता है, सम मतलब ताल की पहली मात्रा उसको सम कहते हैं, और अब कभी हम गाने के साथ बजाते हैं, क्लासिकल के साथ बजाते हैं, तो अभी 16 मात्रा उसमें पूरा बज के जो पहली मात्रा पे फिर से आते हैं तो उसका सम बोलते हैं, तो सम कैसा दिखाने का, तो ताली बजा के सम दिखाते हैं, इसलिए ताली दिया, और विभाग जैसे जैसे पड़े हैं उसके ऊपर से वो ताली, और ये वो बीच के मात्रा हम लोग ऐसे उंगली से दिखाते हैं, धा धिन धा धा तिन ता, ये खाली की मात्रा है और ये सम की मात्रा है, कुछ कुछ ताल में बीच में भी विभाग चार है तो तालियां ज्यादा रहेगी, मतलब तीन ताल देखो, तीन ताल की मात्रा 16 है उसके चार विभाग है, तो खाली की मात्रा छोड़ के हर एक विभाग के पहली मात्रा पे ताली रहता है, कौन से भी ताल में
खाली की मात्रा छोड़ के हर विभाग की पहली मात्रा पे ताली रहता है ताकि उसका वजन समझ में आए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 3 ताल हो गया। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ऐसे ही केरवा की 8 मात्रा है, 2 ही खंड है उसमें, खंड मतलब विभाग 2 ही है केरवा में, 4 4 मात्रे के। धागे न ती न क धी न, ये केरवा हो गया। रूपक थोड़ा अलग है, रूपक पहली मात्रा पे ही खाली है, उसके बाद जो दो दो विभाग है उसके पहले में ताली आएगी। ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, रूपक के विभाग है। 3 2 2 1 2 3 4 5 6 7 झपताल। धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, झपताल के मात्रा 10 है और 4 विभाग है 2 3 2 3 के, तो खाली की मात्रा आधे झपताल के बाद आती है, मतलब 5 के आगे का मात्रा 6 छठवीं मात्रा पे खाली आती है। धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होगा झपताल।